हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। जिंदगी का अगर देखा जाए गौर से, इफ वी स्टडी अवर होल लाइफ, तो सबसे टफेस्ट चीज़ जो बनती है वो आपका डिसीज़न बनती है, व्हेन टू टेक डिसीज़न, हाउ टू टेक डिसीजंस। और आपका डिसीजंस जितना सही होगा लाइफ में हम उतना ही राइज करेंगे। डिसीजन लेना बेसिकली मैच्योर डिसीजंस, इफ़ यू टेक डिसीजंस, इमैच्योर डिसीजंस यू विल रुइन योर लाइफ। एक गलत डिसीजन इंसान की पूरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी की पूरी होल उनकी लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। इस तरह से एक प्रेस रिपोर्टर ने एक बिजनेसमैन से पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उन्होंने टू वर्ड्स में जवाब दिए, गुड डिसीजन। देन उसने अगेन उनसे पूछा कि हाउ डू यू टेक गुड डिसीजन, हाउ डू यू लर्न हाउ टू टेक गुड डिसीजन। उसने कहा कि फ्रॉम एक्सपीरियंस। फिर पूछा उसने कि हाउ डू यू गेट एक्सपीरियंस, ही सेड फ्रॉम बैड डिसीजंस। तो बेसिकली ये रीजंस होता है स्ट्रांग डिसीजंस का। वंस यू टेक स्ट्रांग डिसीजंस, यू शुड बी फर्म ऑन योर डिसीजंस अंटिल यू डोंट अचीव योर टारगेट। सो बी स्ट्रांग इन टेकिंग डिसीजंस। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग इज नॉट सो ईजी, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। फर्स्ट वी शुड एनालाइज द प्रोस एंड कॉन्स, इट्स ईच एंड एवरी आस्पेक्ट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स एंड देन वी शुड टेक डिसीजंस। आवर डिसीजन मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इनफ इन अ सच वे डेट वी शुड बी firmly stand, whatever it doesn't matter if the whole world is against me, we should not revoke our decisions. I would like to add some story of a company mein jis tarah se apex par ek CEO hota hai, chief executive officers hote hain, their main responsibility is how to run the company, how to take good decision for the company, for the benefit of the company. उसमें एक HR department के head का appointment करना था, HR department के head का appointment करना था, और low level पर हर तरह का interview, almost low level पर जितने भी तरह का interviews था वो पूरा हो चुका था। interviews जब पूरा हो गया उसके बाद उस company का एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो protocol था। protocol ये था कि company के जो chairman थे, जो चेयरमैन थे, उनको वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो एचआर के हेड को वो हैंडओवर करते थे। ये बहुत उस कंपनी का बेसिकली प्रोटोकॉल होगा कि चेयरमैन ही उस चीज़ को, वो लेटर को, इनवेलप को वो करेंगे। तो जो एचआर हेड के, जो एचआर हेड जिनका सिलेक्शन हुआ था, फाइनली उनको वो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था चेयरमैन से, तो एक डिनर फिक्स हुआ दोनों के बीच में। सर्टेन टाइम पर दोनों एक जगह, एक होटल में, होटल के कैफेटेरिया में दोनों वो बैठ जाते हैं। अपोनेंट साइड में वो एचआर हेड, इनकम्बेंट जो होने वाले थे वो ही हुए, और सामने उनके चेयरमैन बैठे हुए थे। डिनर से पहले, सबसे पहले उन लोगों ने क्या सूप ऑर्डर किया उन्होंने। सूप दोनों के सामने आया, वंस चेयरमैन के सामने भी आया, और सेकंड जो सूप जो आया वो एचआर हेड, सेलेक्टेड एचआर हेड जो थे उनके सामने आया। तो चेयरमैन जो है, ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली। ही इज रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एचआर सेलेक्टेड हु इज गोइंग टू बी द एचआर, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए कंपनी। तो वो जो सूप ऑर्डर हुआ तो देखा उस, वो चेयरमैन ने बहुत माइन्यूटली देखा उसको, उस एचआर हेड को, कि उसने सूप को बिना टेस्ट किए हुए वो सॉल्ट का पैकेट
जो टेबल पर पड़ा हुआ था सॉल्ट का पैकेट को उसने फाड़ा और फाड़ कर उसमें उसमें डाला, उसने उस चीज़ में वो डाल दिया, मतलब अपने सूप में डाला। फिर पेपर का पैक वो पैकेट होता है, स्मॉल पैकेट लिटिल पैकेट्स होता है, जब वेन यू विल बी होटल्स दीज थिंग्स अवेलेबल ऑन द टेबल्स वेयर योर डिनर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो उसने वो काट कर उसके पेपर को डाला और वो सॉल्ट के उसको चीज़ को डाला। तो ये सब चीज़ों को वो चेयरमैन बहुत माइंडली ऑब्जर्व कर रहा था वो, और इन्वेलप उसके हाथ में था, ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में था। फिर खैर उन लोगों ने वो सूप को पिया, फिर डिनर का ही हुआ, और उसके बाद फाइनली एचआर हेड इज एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड गेट अ लेटर फ्रॉम द चेयरमैन, बट चेयरमैन ने उसको लेटर नहीं दिया। फाइनली जब उससे उसको हाथ मिलाया और कहा कि आवर एचआर टीम विल रेगुलरली इन टच विथ यू, और कहा कि वो वहाँ से जो चेयरमैन थे वो अपने केबिन में चले आए। तो वो प्रेजेंट जो उनके चेयरमैन थे, प्रेजेंट जो कंपनी के उनके जो एचआर हेड थे, दे केम इनटू द केबिन ऑफ द चेयरमैन एंड कॉन्ग्रेचुलेट सर कि सर यू हैव टुडे यू हैव अपॉइंटेड ए न्यू एचआर हेड फॉर आवर कंपनी। तो चेयरमैन कहते कि नो आई हैव नॉट सेलेक्टेड हिम, आई हैव रिजेक्टेड हिम। देन उसने कहा, उस चेयरमैन ने कहा कि सर ऑल द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड और ही द पर्सन इज टोटली फिट फॉर आवर कंपनी, देन व्हाई नॉट यू हैव गिवन द ज्वाइन लेटर ही सेड। तो उसके एचआर हेड जो प्रेजेंट एचआर हेड थे उसने कहा कि आप लोगों का तो डिनर फिक्स हुआ था, तो उस डिनर में क्या हुआ? उनके जी हाँ डिनर फिक्स हुआ था, तो हम लोगों ने डिनर से पहले सूप ऑर्डर किया। सूप को जब ऑर्डर किया तो वो एचआर हेड ने बिना टेस्ट किए हुए, विदाउट टेस्टिंग दी सूप, कैन यू इमेजिन, विदाउट टेस्टिंग दिस सूप ही एडेड सम सॉल्ट एंड इवन पेपर्स। तो इस तरह का आदमी जो कंपनी के लिए विदाउट नोइंग दी फैक्ट्स एंड फिगर्स ही टेक डिसीजंस एंड एडेड सम सॉल्ट एंड पेपर्स विल बी वेरी डेंजरस। इफ अगर वो चख कर, पहले वो सूप को अगर चख लिया होता, उसके बाद अगर कुछ डिसीजन वो लेता, तो इट विल बी वो हम उसको जस्टिफाई कर सकते थे कि हाँ उसने सूप को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उसको जाहिर से बात सॉल्ट की कमी और पेपर की कमी लगी होगी, तो उसने ऐड किया, देन इट्स ओके। लेकिन विदाउट टेस्टिंग, विदाउट नोइंग दी फैक्ट्स, इस तरह का आदमी जब हमारी कंपनी से जुड़ेगा, देन विदाउट नोइंग दी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ए कंपनी ही विल टेक अ वेरी डिसीजन ऑन द एजम्पशंस, ही विल टेक द डिसीजन ऑन एजम्पशंस एंड इट विल डिस्ट्रॉय अवर होल कंपनी। देन द प्रेजेंट एचआर हेड हैज आस्क्ड द चेयरमैन वेरी पोलाइटली, डियर सर डज ट्रिफल थिंग्स मैटर। उसका ये सुनना था कि चेयरमैन सेड कि मिस्टर डू यू नो दिस इज द ट्रिफल थिंग्स फॉर आवर कंपनी, बोला सर वेरी ट्रिफल थिंग्स। देन चेयरमैन सेड एंग्रीली, इफ यू थिंक दिस इज द ट्रिफल थिंग्स देन द नेक्स्ट नंबर इज ऑफ यू, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस कंपनी, यू हैव टू लीव दिस कंपनी। अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर वी कांट टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। बच्चे को बोलना तो 2 साल लगता है, 2 साल में अगर बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलने में 2 साल लगता है, लेकिन क्या बोलना है ही हैज टू लर्न होल लाइफ, होल लाइफ लर्न करने के बाद भी ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपका एक डिसीजन आपके करियर को या तो बर्बाद कर सकता है या आबाद कर सकता है। सो बी स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग डिसीजंस, एंड डिसीजन शुड नॉट बी ऑन द अजम्पशंस, सिर्फ अजम्पशन पर हमारा डिसीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। आवर डिसीजंस मस्ट बी ऑन द रियलिस्टिक्स, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिकॉज योर सिंपल डिसीजन, योर वन डिसीजन इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर्स, योर करियर्स, योर लाइफ, योर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। सो माई डियर फ्रेंड्स, बी वेरी मच अलर्ट इन टेकिंग डिसीजंस एंड टेक डिसीजंस। Until you will not take decisions, how can you progress in the life? Many people's leg behind in taking decisions. Unka decision koi aur leta hai. Unfortunately, koi aur leta hai decisions. Decision lena, it's a very, very bold and courageous things. Ek district ka, agar koi DM hai ya koi SP hai, if some gathers, some mobs are theirs,
and he takes a wrong decisions, situations can reverse. So decision making is a very important thing, and we should take a calculative risk while taking the decisions, where the decision is right or not. Once you take the decisions, apni pura ka pura 100% humko usme laga dena hai to prove that whatever I have taken is 100% right. So my dear friends, don't be hesitate in taking appropriate decisions. Your single decisions can change your destiny. Hope ke aap is cheez ko samajh payenge. Decision is a decision making. In fact, agar public administrations mein agar hum jaye ya family administration mein jaye ya kahin bhi jaye, decision making plays a very pivotal role in building the destiny. आप अगर एक स्टूडेंट्स हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी चीज़ है, एक कंपनी के मैनेजमेंट हैं, एक कंपनी के सीईओ हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर गलत डिसीजन लिया तो होल लाइफ आपकी रिमोर्स हम लोगों को करनी पड़ जाएगी. अगर रॉन्ग अगर सही डिसीजन है तो यू विल इंजॉय द होल लाइफ. विशिंग ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी.